कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज मेरे पास ऐसा दो ब्रांड है जिसके बिना सिंगल मॉल्ट वर्ल्ड अधूरा है। जी हाँ, मेरे पास है ग्लेनफिडिक 12 इयर्स एंड ग्लेनलिवेट 12 इयर्स ओल्ड व्हिस्की। ये दो सिंगल मॉल्ट व्हिस्की वर्ल्ड फेमस है और इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस है। इन दो व्हिस्कीज में बहुत सारा सिमिलैरिटीज है, प्राइस भी एकदम सेम है, साथ साथ इसका जो टेस्ट पैलेट है वो भी काफी हद तक सेम है। फ्रेंड्स, मैंने आज डिसाइड किया कि इन दोनों में बेस्ट कौन है आपको बताऊंगा। ऑफकोर्स ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो है और वीडियो को देखिए, यहाँ पर मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ इस दो व्हिस्की के कैरेक्टर के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, एक छोटा सा अनाउंसमेंट, 21 जून को मैं आ रहा हूँ लाइव आपसे रूबरू बात करने के लिए वीडियो कॉल में। जी हाँ, वीडियो कॉल में, जहाँ पर आप भी होंगे, मैं भी होऊंगा और इकट्ठा हम लोग एक साथ पियेंगे और बात करेंगे। अल्कोहल के बारे में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इमीडिएट जाइए, जाके एनरोल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलेंगे 21 तारीख को। कंपैरिजन की शुरुआत में मैं पहले बोलना चाहूंगा कि दोनों व्हिस्की में पीट फ्लेवर नहीं है। ये जो पीट फ्लेवर है ये बेसिकली मोस्ट ऑफ द स्कॉच व्हिस्कीज में अवेलेबल है, बट अगर इन दोनों व्हिस्कीज का बात करें तो इनमें वो पीट फ्लेवर नहीं है और इसीलिए मैं मानता हूं कि ये इंडिया में बहुत पॉपुलर है। एक बार सोचिए कि आप जब कोई फ्लेवर को एहसास करते हैं तो उसको शायद आपने देखा है या कभी सूंघा है, मतलब स्मेल किया है। अच्छा, पीट को कभी आपने क्या स्मेल किया है? कभी भी, किसी भी दिन नहीं। जो भी मिलता है वो व्हिस्की थ्रू मिलता है, तो आपका जो ओवरऑल आइडिया है अबाउट पीट, आपने व्हिस्की पी के जान गए हैं, बट ओरिजिनली पीट क्या है, कैसा देखने में है, वो तो आप जानते हैं, बट उसको कभी भी स्मेल नहीं किया, तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू डिटेक्ट इट। और इसके कारण इंडिया में मोस्टली जो व्हिस्कीज चलता है वो चलता है स्पाइसी, फ्रूटी, स्वीट काइंड ऑफ व्हिस्कीज, और वो सारा का सारा इन दो व्हिस्कीज में है, इसीलिए इंडिया में बहुत पॉपुलर है। अगर ग्लेनफिडिक का बात करूँ तो वर्ल्ड का हाईएस्ट सेलिंग सिंगल मॉल्ट व्हिस्की ब्रांड है प्रीमियम कैटेगरी में, और अगर मैं ग्लेनलिविट का बात करूँ तो ये सेकेंड लार्जेस्ट सेलिंग व्हिस्की है वर्ल्ड वाइड। एंड ग्लेनफिडिक को कहा जाता है वर्ल्ड मोस्ट अवार्डेड सिंगल मॉल्ट व्हिस्की, और ग्लेनलिविट को कहा जाता है वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर मॉल्ट व्हिस्की। तो दोनों का जितना भी तारीफ करूं खत्म ही नहीं होगा। बाय द वे, ये जो ग्लेन वर्ड है इससे कंफ्यूज मत होइए कि ये दो भाई भाई है, मतलब एक ही कंपनी का प्रोडक्ट है या ग्लेन फैमिली का प्रोडक्ट है। जी नहीं, ऐसा कोई ग्लेन फैमिली है नहीं। जो भी है, ये जो ग्लेन वर्ड है इसको कहा जाता है वैली ऑफ डियर, मतलब एक पर्टिकुलर वैली को कहा जाता है ग्लेन, और इसी वैली में जो जो डिस्टिलरीज है वो अपना प्रोडक्ट में लिखता है ग्लेन। तो वैली ऑफ डियर के कारण ग्लेनफिडिक में एक डियर का इमेज भी है जो जस्टिफाई करता है कि हाँ, वैली ऑफ डियर से ये बिलोंग करता है। दोनों व्हिस्कीज का अगर नाम का बात करूं तो दोनों व्हिस्की का नाम रिवर से कनेक्टेड है। लिविट एक रिवर है और फिडिक एक रिवर है, और ये सब रिवर के सामने ये डिस्टिलरी स्थित है, इसीलिए ग्लेन लिविट और ग्लेन फिडिक नामकरण किया गया है। दोनों व्हिस्की का अगर बॉटल डिजाइन का बात करूं तो क्वाइट इंटरेस्टिंग बॉटल है, जैसे कि ग्लेन लिविट ट्रेडिशनल बॉटल को मेंटेन किया है और ग्लेन फिडिक जो है ये ट्रायंगल से बॉटल मार्केट में लाया है। क्वाइट इंटरेस्टिंग है, आप जानकर हैरान होंगे कि दोनों का जो पैकेजिंग है सुपर्ब है, मतलब मैं तो ग्लेन फिडिक को आगे रखूंगा क्योंकि इसमें जो ट्यूब पैकेजिंग आता है ना वो फैंटास्टिक है। एक टीन का ट्यूब पैकेजिंग के साथ ग्लेन फिडिक को सर्व किया जाता है, तो पैकेजिंग के मामले में और बॉटल डिजाइन के मामले में मैं ग्लेन फिडिक को आगे रखूंगा। ग्लेन लिविट को थोड़ा सा कम नंबर मिल रहा है इसमें। दोनों ही बॉटल ग्रीन है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि जब व्हिस्की बनता है तब वो जो कलर है ना व्हिस्की का, उसका कंसिस्टेंसी बड़बड़ नहीं रहता है, कभी वो लाइट होता है कभी वो डार्क हो जाता है जब फाइनल ब्लेंड बॉटल में डाल के आपको सर्व किया जाता है, आपको वो अंदाज़ा ना मिले इसीलिए दोनों बॉटल को ही ग्रीन कलर में आपको दिया जाता है। और इसके पीछे भी काफ़ी रीज़न है, मैंने बस एक ही रीज़न आपके साथ शेयर किया। दोनों व्हिस्की को कॉर्क के साथ सर्व किया जाता है। ये जो कॉर्क है ना ये
प्रीमियम हुस्की का निशानी है, तो दोनों का काफ़ी सिमिलरिटीज है। ग्लेनफिडिक को सबसे ज़्यादा कामयाबी मिला 1930 के बाद अमेरिका में, जब 1919 से 1930 तक अमेरिका में अल्कोहल प्रोहिबिशन आ गया था, अल्कोहल बैन हो गया था, सेल करना बंद हो गया था, तब अदर कंपनी सब बंद कर रहे थे अपना डिस्टिलरीज, बट ग्लेनफिडिक ने क्या किया, अपना जो प्रोडक्शन है उसको 3 गुना 4 गुना बढ़ा दिया था। उन लोगों को मालूम चल गया था कि कहीं ना कहीं ये बैन बंद होगा और तब जाके एज्ड व्हिस्की का एक डिमांड आएगा, और वैसा ही हुआ। जब 1930 में फिर से अनाउंस हो गया अल्कोहल अमेरिका में, तो फिर ग्लेनफिडिक तब एकदम रेडी था अपना व्हिस्कीज को लेकर, तो अमेजिंग सेल एंड ह्यूज पॉपुलैरिटी मिला ग्लेनफिडिक को। कहानी है बहुत, अगर बोलते रहेंगे तो लंबा हो जाएगा, इससे अच्छा हम लोग जानते हैं कि इसका अंदर में क्या है, ब्लेंड क्या है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वन बाय वन जानते हैं। ग्लेन लिमिट का जो ब्लेंड है वो सिंपली सिंगल ग्रेन से बनाया गया एक व्हिस्की है, आफ्टरऑल ये एक सिंगल मॉल्ट व्हिस्की है, तो ऑफकोर्स इसमें मॉल्टेड बार्ली को ही यूज़ किया गया है और अदर ग्रेन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये ना बहुत फ्लैट किस्म का एक व्हिस्की देता है। तो ये इतना डिस्टिंग कैसे हो जाता है, इसके पीछे यूज होता है टेक्निक, स्कॉच व्हिस्की मेकिंग टेक्निक। और ग्लेनलिविट का अगर टेक्निक का बात करूँ, व्हिस्की डिस्टिलिंग जो प्रोसेस है उसमें जो स्टील को यूज किया जाता है, पॉट स्टील को, उसका ऊपर जो हिस्सा है जिसको कहा जाता है नेक, वो बहुत नैरो होता है, और जिसके कारण व्हिस्की जब डिस्टिल होता है तो वो जो न्यू मेक स्पिरिट है, डिस्टिल स्पिरिट, वो काफ़ी लाइट टेस्ट करता है, जो बाद में मैच्योर करने के बाद एक अद्भुत कैरेक्टर बन जाता है, जो बहुत डिस्टिंग करता है व्हिस्की का जो फ्लेवर प्रोफाइल है उसको काफ़ी हद तक एनहेंस भी करता है। ग्लेनलिविट अपने डिस्टिल के बगल में जो रिवर है, जहाँ पर स्प्रिंग वाटर मिलता है, लिविट रिवर का स्प्रिंग वाटर, उसको यूज़ करते हैं, और तो और एक स्पेशल कुआं है, वेल है, जिसको कहा जाता है जोएस वेल, उसका जो पानी है उसको भी यूज करता है जब भी व्हिस्की को बनाते हैं ग्लेनलिविट। इससे होता क्या है, व्हिस्की में एक क्रीमी टेक्सचर ऐड करता है उन सब वाटर। अब तो ग्लेनफिडिक की तरफ, ग्लेनफिडिक में भी यूनिक टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि आप अगर डिस्टिल में जाएंगे तो देखेंगे वहां पर 31 डिफरेंट शेप पॉट स्टिल है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई बहुत लंबा टॉल है। अब जब सेम स्पिरिट को बार बार डिफरेंट पॉट स्टिल में डिस्टिल करते हैं, तो हर एक टाइम पे वो डिस्टिल स्पिरिट अलग अलग कैरेक्टर होता है बिकॉज ऑफ पॉट स्टिल। जो लंबा पॉट स्टिल होता है उनमें से लाइट स्पिरिट जनरेट होता है, और जो शॉर्ट हाइट यू नो पॉट स्टिल है उसमें जो है ना बहुत इंटेंस फ्लेवर के साथ कुछ यू नो हाई डेंसिटी एल्कोहल तैयार होता है। तो अब उन सब एल्कोहल को जब इकट्ठा ब्लेंड करके उसको कास्क में डाल के मैच्योर करते हैं, तो ऑफ कोर्स वो डिस्टिंक्ट एक फ्लेवर तो जनरेट करेगा ही करेगा, बिल्कुल अलग तो हो ही जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं ग्लेनफिडिक। ग्लेनलिविट का जो प्राइस है वो है 5625 फॉर 750 ml बॉटल, और ग्लेनफिडिक का जो प्राइस है वो है 5720 फॉर 700 ml बॉटल, 50 ml आपको कम मिलने वाला है, ये कुछ डिसअपॉइंटिंग मैटर है। साथ साथ मैं बोलूँगा कि ग्लेनलिविट में 43% अल्कोहल है, हालांकि ग्लेनफिडिक में 40% अल्कोहल है। दोनों ही व्हिस्की में आर्टिफिशियल कलर को मिलाया गया है व्हिस्की का जो कलर है उसको एनहेंस करने के लिए, और दोनों ही चिल फिल्टर व्हिस्की है। अब ये चिल फिल्टर व्हिस्की क्या है, अगर आपको मालूम नहीं है तो आई बटन में एक वीडियो क्लिक हो रहा है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं व्हाट इज चिल फिल्टरेशन, जहाँ पर हम लोगों के साथ धोखाबाजी होता है। चलिए अभी पोर करते हैं, पहले मैं ग्लेनलिविट को पोर करूंगा, तो चलिए पोर करते हैं। तो आपको तो बोल ही दिया था कि ये जो है आर्टिफिशियल कलर मिला हुआ है, ये लाइट गोल्ड कलर है, और इसका ये ऑयली है व्हिस्की, काफी ऑयली है, आप देख सकते हैं इसका टीयर्स जो है इट्स कमिंग डाउन स्लोली, तो ये अच्छा माउथफील दे सकता है। ऑफकोर्स ये स्कॉच व्हिस्की है तो हम लोग तो ये आशा कर ही सकते हैं। चलिए नोज करते हैं, नोज में आप फील कर सकते हैं कि आप स्कॉच को यू नो स्मेल कर रहे हैं, बहुत ही स्मूथ है, मैं बोलूंगा कि बिल्कुल ओवरपावरिंग नहीं है, आपको आप आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं हनी नोट्स को,
आप फील कर सकते हैं फ्रूटी यू नो नोट्स को, जैसे कि पियर्स को आप फील कर सकते हैं, पीच का नोट आप एहसास कर सकते हैं, यहाँ पर मॉल्टी जो नोट्स है वो बहुत भर भर के हैं, इवन आप आराम से एहसास कर सकते हैं वनीला नोट्स को, काफ़ी सिट्रस भी मैं लग रहा है मुझे ये विस्की। चलिए तो फिर पैलेट में लेके आपसे बात करते हैं। मक्खन की तरह चला गया, मतलब क्या बताओ, यही है स्कॉच विस्की पीने का मज़ा, मतलब आप आराम से नहीं पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत स्मूथ लगा मुझे, काफ़ी स्मूथ है ये विस्की। साथ में मैं वो जो वनीला नोट्स है और वो जो मॉल्टी नोट्स है वो काफ़ी इंटेंस हो जाता है जब आप उसको गल्प करते हो अपना विस्की को। मैं ऊडी नोट्स को मैं ढूंढ के निकाल पा रहा हूँ क्योंकि ये विस्की मुझे ऊडी लग रहा है, स्मोक की हिंट है जो ऊड स्मोक है मैं बोलूँगा। साथ में मैं बोलूँगा कि अगर फ्रूट्स का अगर बात करूँ तो मुझे ऑफकोर्स पियर्स मिल रहा है हल्का, कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा स्वीट लग रहा है, अगर स्पेसिफिकली कुछ बोलूँ तो फिर मैं बोलूँगा कि हनी स्वीटनेस। तो बहुत ही मतलब बैलेंस्ड एक विस्की है जो काफ़ी यू नो फ्रूटी फ्लोरल एंड स्वीट काइंड ऑफ विस्की है। अगर फिनिश का बात करूँ तो ऑफकोर्स ये बहुत ही एलिगेंट फिनिश है, बहुत स्मूथ, बिल्कुल आप अल्कोहल का जो हर्शनेस है उसको फील नहीं कर पाते हैं, आराम से स्मूथली आपका गले से ये उतर जाता है। तो इसका फिनिश भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इवन मैं बोलूँगा कि ये थोड़ा सा लॉन्ग फिनिश है, थोड़ा सा रह रहा है आपका माउथ में क्योंकि ये ऑयली है थोड़ा। तो ये रहा मेरा एक्सपीरियंस ग्लेनलिवेट के साथ। अब ग्लेनफिडिक तो फिर पुर करते हैं। आप लोगों को तो बोल ही दिया मैंने कि इसमें भी आर्टिफिशियल कलर है, और इसका अगर डेंसिटी का बात करूं तो फिर मैं बोलूंगा कि, या विस्कोसिटी का बात करूं तो फिर हाँ ये भी ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है। मैं बोलूंगा ये भी थोड़ा सा ऑयली दिख रहा है और ये भी बहुत स्लोली ड्रिप कर रहा है, तो इसका टीएस जो है बहुत स्लो ड्रिप कर रहा है, तो ऑफकोर्स ये अच्छा माउथ फील देने वाला है, आफ्टरऑल ये स्कॉच है। चलिए नोस करते हैं। मॉल्टी एरोमा मुझे मिल रहा है, मुझे पियर्स का नोट मिल रहा है, मुझे ग्रीन एप्पल मुझे मिल रहा है, साथ साथ मैं बोलूँगा कि वनीला नोट्स है यहाँ पर, स्वीटनेस जो है ये काफ़ी हनी स्वीटनेस की तरफ लेकर जाता है, आप फील कर सकते हैं थोड़ा उडी कैरेक्टर इस विस्की में, एंड सच में ये विस्की काफ़ी स्वीट लग रहा है, मुझे कुछ ज़्यादा ही स्वीट लग रहा है, मतलब इसमें मैं ना चॉकलेट को नोटिस कर पा रहा हूँ, बटर स्कॉच को नोटिस कर पा रहा हूँ, प्लस मैं बोलूँगा कि ये काफ़ी उडी भी लगता है, मतलब स्मोकी मैं बोलूँगा नहीं बट हाँ उडी स्मोक मैं बोलूँगा, वार्म है साथ साथ सिट्रस भी है हल्का, मैं सिट्रस नोट को भी एहसास कर पा रहा हूँ। अगर स्पेसिफिकली बोलूँ तो मुझे ना ऑरेंज का नोट्स मिल रहा है, बहुत ही अच्छा एंड बैलेंस्ड विस्की है ये। अगर इसका फिनिश का बात करूँ मतलब तो फिर मैं बोलूँगा कि ऑफकोर्स ये एक स्मूथ फिनिश विस्की है, एंड साथ साथ आप एहसास कर सकते हैं हिंट ऑफ स्पाइसी नेस का, क्योंकि जैसे जैसे ये ख़त्म होता है तब आप फील कर सकते हो पेपरी नोट्स का, इवन कहीं ना कहीं वो जो स्वीट एरोमाज हैं वो सब घूम घूम के आता है, जैसे कि बटरस्कॉच, जैसे कि चॉकलेट, जैसे कि आलमंड भी आपको मिलता है। क्वाइट अमेजिंग ये विस्की है, बहुत ही अच्छा एंड वेल बैलेंस्ड है, काफ़ी लॉन्ग भी है इसका फिनिश। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस ग्लेनफिडिक के साथ। अब आता हूँ फ्रेंड्स फाइनल कंक्लूशन में, और यहाँ पर मैं बोलूँगा कि इन दोनों विस्की में मैं ग्लेनफिडिक को आगे रखूँगा। अब आप लोग बोलेंगे क्यों, तो मैं बोलूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो बॉटल डिज़ाइन है वो क्वाइट अलग है, मतलब एक यू नो डिस्टिंक्ट बॉटल डिज़ाइन है, ऐसा ट्रायंगल से बॉटल डिज़ाइन आपको मिलता ही नहीं है। साथ साथ मैं बोलूँगा कि इसका जो पैकेजिंग है बहुत प्रीमियम है, ग्लेनफिडिक का पैकेजिंग बहुत ही प्रीमियम फील कराता है आपको, हालांकि उसके मुकाबले ग्लेनलिविट थोड़ा सा पीछे है, और बॉटल डिज़ाइन ग्लेनलिविट का भी बहुत सिंपल और साधारण सा है। अगर वैल्यू फॉर मनी का बात करूं तो ऑफकोर्स ग्लेनफिडिक जो है थोड़ा सा आपको ज़्यादा चार्ज करता है, अराउंड 300 रुपीज़ इस ग्लेनलिविट से, बट फिर भी मैं बोलूँगा
कि अगर आपका पैलेट स्वीट है, आप अगर यू नो फ्रूटी फ्रूरल ऐसा कुछ विस्कीज को पसंद करते हैं, पीट बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो ऑफकोर्स आपको एक ग्रेट एक्सपीरियंस दे सकता है ग्लेनफिडिक। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो मेरे पैलेट में भी सूट करता है। जो मेरा पैलेट है, जो मुझे चाहिए, वो ग्लेनफिडिक देता है। और तो और मैं लास्ट में बोलूँगा कि दोनों विस्की में मुझे ग्लेनफिडिक कुछ ज़्यादा ही स्मूथ लगा। अब ये डिपेंड करता है मैन टू मैन, आप बताइए आपको कैसा लगा, या दो विस्की को अगर टेस्ट करने का मौका मिलता है तो आपको कैसा लगा था, आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। इंतज़ार रहेगा आपका कमेंट्स का। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।